गांधी चौक पठानकोट NSUI के सैकड़ों छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का रूप देकर असहनीय महंगाई एवं किसान मारू तीन काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन में अभ्यम शर्मा के साथ NSUI के जनरल सेक्रेटरी श्री सोनीश धीरज, मनदीप क्लियर, निश्चित, मीत सैनी, रोहित एवं अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। पठानकोट से अजय कुमार की रिपोर्ट। जो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरा भारत मना रहा तो इतने नौजवान इकट्ठे होकर अनइंप्लॉयमेंट डे मना रहे हैं, की कहना तुहाडा? देखो जी, ये किसी का जन्मदिन नहीं हो सकता, ये तो अनइंप्लॉयड आपां इन डे घोषित करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार जो 2014 के भारत की सरकार जो बनाई सी इन्होंने, तो इन्होंने वादा किया कि हर नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देवांगे, हर गरीब के खाते 15-15 लाख पावांगे। इन्होंने इन्ने क झूठे वादे, तेल, पेट्रोल, डीजल 35 रुपये लीटर करांगे, दालां 200 रुपये तक बजाती हैं, मतलब इन्होंने हर फील्ड के लोगों ने धोखा किया। तो यह अज का दिन है, ये 17 सितंबर, ये मेरे हिसाब नाल अनइंप्लॉयड डे जिहड़ा ये बनना चाहिए, जिदे विच पता लगे इन लोगों, इन लोगों ने साडे देश की जनता को किदां उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया, और इन्होंने किन्ना शोषण किया, और गरीब का पैसा खो के इन्होंने अमीरां दीआं तिजोरियां भरिया। और साडा अभियम शर्मा जिहड़ा NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रैजीडेंट है, यदा बहुत वड्डा उपराला, मैं कहना यह मुंडा इन्नी वधिया तरीके नाल अपनी पार्टी का पार्टी प्लेटफॉर्म इन्ना वधिया तरीके नाल ग्राउंड लैवल ते लैके जा रहा है। तो इहदे नाल जिन्ना कु यूथ साडा कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान उहदा वध रहा, मैं बहुत इन्हों का शुक्रगुजार करना और बहुत ही बधाई के पात्र है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरा दिलों जान नाल अपने गरीब भरावान और अपने जिहड़े बेरोजगार नौजवानों इन्होंने पूरा अपने नाल जोड़ के रखिया, ये पार्टी की बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, तो आप इन्हों बहुत बहुत इनके शुक्रगुजार हाँ जी। अभियम शर्मा जी, अज तुहाडे NSUI दे बहुत सारे नौजवान इतने इकट्ठे हुए हैं, की कारण है? अज एक पासे पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहा है, की कारण है कि तुम अज इतने बूट पॉलिश कर रहे हो तो सब्जियां बेच रहे हो जी? अज RSS दे वर्करां लई, संघ दे बंदियां लई अज बहुत खुशी का दिन जरूर होएगा, पर साडे छात्र वर्ग लई ये काला दिन, एक काला दिवस असी मना रहे हैं, जिन्हों अज मोदी जी के जन्मदिन के उत्ते अज उन्हां नूं सुनेहा लाउणा चाहुंदे आ NSUI पंजाब वल्लों। अज पठानकोट दे विच तुसीं रोश देख रहे हो, सैकड़े युवा जिन्हां दीआं डिग्रियां करी बैठे आ उन्हां नूं नौकरी का किते नामो निशान नहीं, 15-15 लख कहिंदे सी देवांगे, कहिंदे सी खातियां दे विच पावांगे, अनेक ऐसे वादे जिन्हां नूं ओह पूरे नहीं कर पाए। अज असी उन्हां दा जन्मदिन उन्हां नूं ये गिफ्ट दे रहे हैं कि युवा अज दा पंजाब दा युवा जिहड़ा ओह बूट पॉलिश कर रहा, वह सब्जियां बेच के गुजारा कर रहा, उन्हूं डिग्री दे बाद कोई नुकसान कोई फायदा नहीं होया। तुसीं कहिंदे सीगे, असी सुनिया सीगा कि चाह वेचण वाला प्रधानमंत्री बन गया, साहब आ सारे देखो जिन्ने इत्थे बच्चे बैठे ने, आ स्टूडेंट वर्ग सारा सड़कां ते आ, ये कहिंदा दसो सानू भी किदां असी चाह वेची ते असी भी प्रधानमंत्री बनीए। ये सिर्फ जुमला सरकार है, ये साडे स्टूडेंटां दे हक्कां दी सरकार नहीं, युवा दे हक्कां दी सरकार नहीं, एक गरीब वर्ग दे हक दी सरकार नहीं। असी अज इत्थे सारे बैठे हाँ, सारे अपने घरां चों निकले हाँ, डिग्रियां कर लिया, कोई इहदे च सानूं बेनीफिट नहीं होया, नौकरियां नहीं मिल रही, बूट असी पॉलिश कर रहे हैं, देखो जी हाथ काले करी बैठे हाँ, कित्थे किताबां कालियां करदे रहे, हुण सानूं नौबत आ गई है कि हथ काले करने पै रहे हैं। पहले असी सब्जियां वेचियां इत्थे, पिछले साल असी पकौड़े तले सीगे, ऐतकी असी सब्जियां वेचियां, बूट पॉलिश किए, 10-10 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं जी। लॉ स्टूडेंट हाँ जी, मैं लखा रुपया मेरे माँ प्यो ने औखा सौखा हो के यूनिवर्सिटियां दे विच जमा कराया, होस्टल दीआं फीसां दित्तियां, उत्थे मैसां दीआं फीसां दित्तियां, अकैडमिक फीस, ट्यूशन फीस, पर साडा मुल नहीं मुड़िया। मोदी साहब इतां नूं सुनेहा देना चाहुंदा है, अज दा नौजवान, अज सारा नौजवान इत्थे गांधी चौक दे विच इकट्ठा है, इसे करके इकट्ठा कि तैनूं पता लगे ताडी सरकार ने की कीता साडे लई। असी इत्थे निहत्थे बैठे हाँ डिग्रियां करके, मेरी मोदी सरकार नूं अपील है, जां ते सानूं डिग्रियां दा कोई मुल मोड़िया जाए, नौकरियां दित्तियां जाण, नहीं ते अज इत्थे तुसीं 100-150-200 युवा देखिया होएगा, हजारां दी तादाद च पठानकोट जिले तो युवा दिल्ली कूच करेगा,
ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ।